गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 49 तक कंप्लीट हो गया था। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, टोटल 66 क्वेश्चन बच रहा है ना, टोटल 66। ठीक है, तो चलिए कुछ ही वीडियो में 3C चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर क्या बोल रहा है, 10x² - 9x - 7, मतलब मेथड क्या बोल रहा है कि लास्ट इनटू फर्स्ट का मल्टीपल। अब तो याद ही हो गया आपको, रखते रखते बनाते बनाते आपको याद ही हो गया होगा क्या है लास्ट इंटू फर्स्ट का कोएफिशिएंट। तो -7 ने +10 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या आ जाएगा -70, मतलब प्रोडक्ट आपको क्या लाना है 70 लाना, यही ना 10 होते 70। अब बीच वाला मिडिल टर्म क्या है 9 है, तो हमने क्या पता किया कि 14 × 25 = 70 और 14 × 5 = 9। सोचिए, अब करना नहीं आपको, सोचना है 14 × 25 = 70 हो जाता है कि नहीं होता है, और 14 से 5 घटाइए तो देखिए 9 आ जा रहा है, लेकिन 14 में 5 जोड़िए 19, लेकिन घटाने पर आ रहा है तो ठीक है, और गुना करने पर भी आ जा रहा है, तो क्या पता चला हमें 14 और 5। तो 14 और 5 क्या करें, घटाएंगे ना, तो देखिए तो 9 किसका साइन माइनस करेंगे, बड़े वाले को माइनस लेंगे, छोटे वाले को प्लस लेंगे, 14 × 25 = 70 - 70 आ जाएगा मल्टीपल करके, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, तो पता चल गया -14 + 5। तो यहाँ पे लिखिए 10x² - 14x + 5x - 7। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, दोनों में कॉमन आपका 2x कॉमन हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, 2x कॉमन हो गया तो बचा आपका 5x - 7। तो यहाँ भी क्या बच गया 5x - 7, जो टर्म वहां पे जो यहीं पे है, तो इसका कॉमन टर्म क्या होगा 1 ही होगा, और ये प्लस में तो प्लस देंगे, प्लस माइनस माइनस। तो आपका कौन कौन टर्म हो गया, तो कॉमन हो गया 5x - 7, बच गया 2x + 1। ये आपका कंप्लीट हुआ 50 नंबर। 51 नंबर देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन वाला भी आप अभी तक आप लोग नहीं सीखे हैं, तो फ्रैक्शन वाले कैसे करेंगे, इसमें मेथड वही है। मेथड क्या वही है, लास्ट इंटू फर्स्ट का कोएफिशिएंट। तो लास्ट में क्या है 7/16, और फर्स्ट का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब गुना करेंगे तो 7/16, प्रोडक्ट आपको लाना 7/16, और बीच वाले मिडिल टर्म का आपको लाना 2x। तो इसमें किसी का देखिए फैक्टर नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी का फैक्टर नहीं ना, मतलब इसका एलसीएम नहीं निकाला जा सकता, फैक्टराइज हो ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट। तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, चलिए एलसीएम लीजिए। आपको याद रखना है मल्टीप्लाई करने पर 7/16 ही लाना। ठीक है, तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे 16 × 1 = 16, 1 में 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16x² हो जाएगा, माइनस 1 में 16 = 16 × 32, अब पहला 16 × 16 = 1 में, 1 में 7 से यहाँ पे 1 से लिखें। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, इस पूरे में से 16 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1/16 को हम कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या, बच जाएगा आपका, देखिए 16 कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा क्या यहाँ पे 1x² 16x² 1/16 कॉमन लिए ना, तो यहाँ बच गया 16x², इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ठीक है, माइनस यहाँ बच गया 32x और प्लस 7, ये टर्म बच गया। ठीक है, तो देखिए 1/16 सभी में से कॉमन आ गया, जैसे इसको हम डिवाइड में आप लोग पढ़े होंगे, इसको इस तरह से कर सकते हैं ना, 16x² / 16, हर एक को काटेगा, फिर माइनस 32x / 16, फिर प्लस 7/16, ये इस तरह से लिखा जा सकता है ना। अब देखिए डिनोमिनेटर में सब जगह 16 कॉमन है, तो सब में से 1/16 हम कॉमन ले लिए, तो अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए तो यही टर्म आ जाएगा। देखिए अंदर मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1/16 में 16 काट देगा, 1x² बचेगा, यहाँ देखिए 16 कटेगा तो 1x² बचेगा, इसमें से इससे गुना करेंगे तो 32x + 16 होगा, देखिए 32x + 16 है, इसमें इससे मल्टीप्लाई करें, मतलब इसमें से 1/16 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो 1/16 कॉमन आ गया। अब देखिए ऊपर के जैसा आ गया कि नहीं, फ्रैक्शन वाला हट गया कि नहीं हट गया, ये देखिए अब इस टाइम में आ गया, इस टाइम में 16x² - 32, मतलब फ्रैक्शन से हट गया। चलिए देखिए अब मेथड आपको वही है, 1/16, अब मल्टीप्लाई करने पर 16 × 7, अब मल्टीप्लाई की लास्ट में फर्क 16 × 7 112, तो 112 का चलिए हम लोग को लाना है मल्टीप्लाई करने पर 112, स्प्लिट मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर 32 लाना, चलिए इसका फैक्टराइज करिए, तो 2 से लाएगा 2 × 75, 2 से 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 और 7 से 1, मतलब इतना टर्म है। तो हमने क्या किया, इस तरह से 7 × 14 = 14 × 28 और 2 × 4 28 में 4 हम जोड़ देते हैं तो -32, और 28 में 4 से गुना करें 8 × 32 = 2, हाथ बचेगा 3, 4 × 8 = 3, 11, मतलब मल्टीपल भी आ जा रहा है, माइनस 100 कितना
माइनस नहीं प्लस में 112, और इसको जोड़ना घटाने पर स्प्लिट करने पर माइनस 32 आ रहा है। जैसे माइनस 28 माइनस 4 होगा ना माइनस 32, तो 28 सर मिल गया। माइनस 28 से माइनस 4 से गुना कर 28 को 112 माइनस माइनस प्लस, मतलब 112 मिल गया प्लस में। तो यहाँ पे चलिए पुट कीजिए 16x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 4x प्लस, सुनिए टर्म मिला ठीक है। तो चलिए देखिए फ्रैक्शन में रहेगा तो इसी तरह से आप लोग करना है, उसका एलसीएम ले लेंगे उसके बाद आप फैक्टराइज करिए ठीक है। तो एक बटा 16 भी रहने दीजिए, इसका लास्ट में काम करेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 7, यहाँ भी क्या बचेगा 4x माइनस 7। अब देखिए 4x प्लस 7 यहाँ 4x माइनस 7, तो यहाँ पे दोनों में पहले देखिए 4x है यहाँ पे 7 भी, तो यहाँ पे 4x 7 है, तो 1 दोनों में कॉमन होगा। साइन क्या ले तो माइनस लेंगे, क्यों माइनस प्लस माइनस है, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये सेटिस्फाई होगा। तो दोनों में कौन 4x माइनस 7 4x माइनस 7 ठीक है। तो 1/16 इंटू 4x माइनस 7 दोनों में कॉमन है, बच गया क्या 4x माइनस 1। ऐसे आपको आंसर दे नहीं रहा होगा ठीक है, आंसर देगा कब, जब 1/16 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। तो 1/16 में इससे मल्टीप्लाई किए चाहे इससे मल्टीप्लाई किए बात बराबर है, तो हम चलिए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/16 में इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा से मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट के अंदर सारा में जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4x/16 हो जाएगा। तो 1/16 से 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से देखिए 1/16 में 4x से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 1/16 से 7 से मल्टीप्लाई होगा, यही ना होगा। तो 1/16 से 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से 16 कट गया 4 बनेगा 1/4 होगा ना, 1/4। फिर 1/16 से माइनस 7 में, तो 1/16 से गुना माइनस 7, तो माइनस 7/16, तो माइनस 7/16 ये आपका हो गया, और ये आपका 4x माइनस 1, ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहें इसको इससे नहीं मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में यहाँ पे मल्टीपल का साइन इसलिए एक ही से मल्टीप्लाई होगा, बीच में अगर सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड का साइन रहता है ना तो पूरे से मल्टीप्लाई हो जाता है ठीक है। तो आपका इस तरह से आंसर दे रहा होगा, क्या आंसर देता है देख लेते हैं, कितना नंबर है 51 नंबर है ना, 1/4 माइनस 7/16 इंटू 4x माइनस 1, इस तरह से रहेगा जब भी, तो आप लोग इस तरह से बनाएंगे ठीक है। देखिए 52 नंबर भी उसी तरह का आया फ्रैक्शन के टाइप में, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन फर्स्ट में ही खत्म हो जाएगा, कैसे तो फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू फर्स्ट का कोएफिशिएंट, तो लास्ट में क्या माइनस 9 और फर्स्ट में क्या 1/3, तो देखिए तो कट नहीं रहा 3 बार में, यानी आपको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3 लाना, प्रोडक्ट आ गया माइनस 3। अब बीच वाला टर्म को माइनस 2x इस तरह से रहा, तो हमने क्या किया माइनस 3x से प्लस, यानी 3 में से घटा देंगे, 3 में से क्या किया घटा देंगे, तो 3 में से गया 2 आ जाएगा, और 3 का साइन माइनस, तो माइनस में 2, देखिए माइनस में 2 है, लेकिन 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या लाना 3 भी आ जा रहा है, आगे आज नहीं जा रहा माइनस 3 आ जा, माइनस 3 लाना मल्टीप्लाई करने पर, तो पता चल गया क्या माइनस 3 प्लस 1। तो चलिए यहाँ पुट कीजिए माइनस 3 प्लस 1 यानी 1/3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 9 ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन इस तरह से कि 3 कॉमन है, नहीं 1/3 कॉमन है ना, ऐसे यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा आपका 3 कॉमन हो जाएगा ठीक है, 3x कॉमन होगा, और 3x जब कॉमन लेंगे नहीं 1/3 कॉमन होगा, क्यों देख लीजिए 1/3x कॉमन है, तो बच गया क्या यहाँ पे x बचेगा माइनस। अब देखिए 1/3x इसमें से बाहर निकले तो ऊपर क्या बचा होना चाहिए 9 बचेगा, क्यों 1/3x बाहर पहले से है, और 3x में से 1/3x बाहर निकल गए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुना करने पर 3 आ जाए, तो हम लिखेंगे 9। देखिए 3 से 9 कट गया 3 बार में, तो 3x से क्या आ रहा है 3x है कि नहीं, तो यहाँ पे हम 9 लेंगे, गुना करेंगे, देखिए 1/3 में माइनस 9 से गुना कीजिए, 1/3 में 9 से गुना करेंगे 3 से 3 बार में, तो 3 × 3 देखिए 3 नहीं है यहाँ पे, तो दोनों में 1/3 कॉमन था, तो x माइनस 9 हो गया अंदर, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम x माइनस 9 लेंगे। अब देखिए यहाँ भी x माइनस 9 यहाँ भी x माइनस, मतलब सेम सेम है, तो क्या लेंगे प्लस 1 लेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस, तो कॉमन क्या हो गया आपका x माइनस 9 दोनों जगह, और बच गया क्या 1/3x प्लस 1, ये आपका कंप्लीट हुआ 52 नंबर। तीसरा जब भी रहेगा तो आप लोग बनाना है। अब देखिए 53 नंबर, इसमें क्या मेथड वही है कि लास्ट इंटू फर्स्ट का कोएफिशिएंट, तो अगर 1/35 में 1 से गुना करें तो 1/35 ही आएगा, इसका फैक्टराइज हो गए तो क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो चलिए इसका इस नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम लीजिए,
तो एलसीएम जब लेंगे तो 35 होगा, 35 में एक सौ स्क्वायर से, और 35 एक सौ स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस एक। अब पूरा हम 35 तो एक बटा 35 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 35 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस एक। अब देखिए ये इसको छोड़िए, अब ये बच गया, देखिए अब इक्वेशन में आ गया ना, फ्रैक्शन से हट गया, देखिए इस टाइप में आ गया एकदम। तो मेथड क्या है, लास्ट जो फर्स्ट यानी गुना करने पर 35 में एक सौ गुना करें तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, यानी आपको प्रोडक्ट लाना है क्या, 35। अब मिड बीच वाले मिडिल टर्म को तोड़ना इस तरह से कि 12 आना चाहिए, तो 7 5 12 हो जाएगा और 7 5 35 भी हो जाएगा। सोचिए 7 5 12 और 7 5 35। अब 12 किस लिए आना, प्लस मतलब दोनों प्लस में लगेगा ना 12 आएगा, प्लस 7 प्लस 5, और गुना कीजिए तो प्लस 35 भी आ जा रहा है। तो यहाँ पे पुट कीजिए आप प्लस 7 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 1, ये हो गया। तब चलिए देखिए, 1/35 ये दोनों में कॉमन क्या है, 5x कॉमन है, 7x कॉमन है, 7x कॉमन है, तो यहाँ बच गया क्या, 5x प्लस 1, तो यहाँ भी क्या 5x प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 5x प्लस 1 यहाँ भी, 5 प्लस 1 यहाँ भी, पूरा प्लस में तो प्लस 1 कॉमन हो जाएगा आपका, ठीक। तो आपका 1/35 हो गया यहाँ पे, और दोनों में कॉमन 5x प्लस 1, 5x प्लस 1, और बचा क्या 7x प्लस 1, ठीक। यहाँ पे भी आंसर देना चाहते हैं या फिर 1/35 को दोनों में से किसी के साथ मल्टीप्लाई कर आंसर देना चाहते हो तो दीजिए। चलिए हम अब इस पिछले बार में इसको इससे किए थे ना, अब इसको इससे करके दिखा देते हैं। तो 1/35 गुना क्या करेंगे, 7x है ना, और प्लस 1, तो 7x/35 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, 1/35 से गुना कर रहे हैं 7x प्लस 1 से, तो पहले 7x से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/35 गुना 7x, तो 7 से 5 कट गया, 35 कट गया 5 बार, यानी 1/5। जब इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही रहेगा, इसको मैं नहीं कर रहे हैं 5x प्लस 1, तो बच जाएगा क्या 1/5। ये 1/35 से 7x से मल्टीप्लाई होता इतना आया, फिर 1/35 से प्लस 1 से गुना करें तो उतना ही रह जाएगा 1/35। ये आपका कंप्लीट हो गया 53 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से जब भी रहेगा फ्रैक्शन वाले, तो फ्रैक्शन वालों को आप भी बनाइएगा, कोशिश करिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।